पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सैम पित्रोदा की संपत्ति वाले बयान पर जमकर निशाना साधा है। शिवराज ने कहा कि सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को सलाह देते हैं, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। उन्होंने इसके लिए अमेरिका का उदाहरण दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर देश को दो टुकड़ों में बांटने का आरोप लगाया है। श्री राहुल गांधी जी और सैम पित्रोदा जी गुरु और चेले हैं। सैम पित्रोदा जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं और सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को विचार देते हैं जिनको कांग्रेस क्रियान्वित करती है। अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। वे अमेरिका के उदाहरण देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में ये प्रावधान है कि मृत्यु अगर हो जाए तो संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार अपने पास ले लेगी, लेकिन सैम पित्रोदा जी ये अमेरिका नहीं भारत है। भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं अमेरिका की नहीं है। भारत भारत है। यहाँ किसान हो या इवन गरीबी हो, वो भी अपना पेट काट काट के थोड़े पैसे इसलिए बचाते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद बच्चों को कुछ दे के जाएं। लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है विरासत टैक्स लगा के। ये टैक्स पहले था लेकिन जनता के दबाव में कांग्रेस ने इसको समाप्त किया था, उस समय जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी नहीं रही थी। शायद राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मां की संपत्ति उनको मिल जाए इसके लिए इसको हटाया हो। लेकिन कांग्रेस को देश के सामने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसके इरादे क्या है। कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वो भारत का रास्ता नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरफ विरासत टैक्स लगाने की बात करती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जातिगत जनगणना मेरे जीवन का मिशन है। कितने टुकड़ों में देश को बांटना चाहते हो, देश में समाज को बांटना चाहते हो। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की बात होती है, इसके पीछे खतरनाक इरादे छिपे हुए हैं और वो इरादे हैं जातियों में देश को बांटने के, वो इरादे हैं दलित आदिवासी और ओबीसी के अधिकारों को बांट देने के। भारत इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, देश की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं कांग्रेस से स्पष्ट रूप से, मैडम सोनिया गांधी हो, राहुल बाबा हो, अब ये केवल किनारा करने से काम नहीं चलेगा। उनके असली इरादे क्या हैं वो जनता को बताएं। जातिगत जनगणना और आर्थिक सामाजिक सर्वे और आरक्षण जैसे विषयों पर वो दलित ओबीसी और आदिवासियों के अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं, उनको जवाब देना होगा और नहीं तो जनता उनको माफ नहीं करेगी।
सैम पित्रोदा मैंने पहले स्पष्ट किया कि सामान्य कांग्रेस के नेता नहीं है, वो गुरु हैं राहुल गांधी जी के। अब तो जब देश में विरोध हुआ तो कांग्रेस ने बचने का रास्ता ढूंढा है, लेकिन उनका हिडन एजेंडा जनता के सामने आ गया है।